आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अलीगढ़ के ब्लॉग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज है दशहरा, तो तुम्हारा भाई आ चुका है फिर एक बार न्यू ब्लॉग लेके। तो दोस्तों मेरी तरह से सब सबको हैप्पी दशहरा विद फैमिली। तो दोस्तों जैसा कि आज को आपको पता है, मैंने आज 2 बजे करीब एक ब्लॉग डाला था दशहरा रावण दहन का, तो वहाँ चलने वाले हैं। और आपको पूरा आज रावण का बहुत बड़ा मेला निकलता है, जो निकलता है तुम्हारे बाराद्वारी से रेलवे रोड बोल सकते हो, ठीक है। तो बने रहना ब्लॉग में, और आज काफ़ी विशाल मेला निकलता है, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहना ब्लॉग में, आज आपको छोटे छोटे रावण जरूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको सीधे मेले में और रावण दशहरे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फिर बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा आगे आओ, आगे आगे।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। तो जिए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात। सच साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती हो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। हाँ दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और राहुल दहन
का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ब्लॉग को प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, जय श्री राधे। बाय बाय।